हेलो गाइस, आई एम नीलम मेकओवर। गाइस देखिए, आज मैं फिर आपको एक आई मेकअप सिखाने वाली हूँ। बहुत इजी वे है ये और गोल्डन एंड रेड का है ना। हमने इसमें कोई ज़्यादा कलर यूज़ किए हैं, सिर्फ दो कलर से हमने ये आई मेकअप किया है। एक आई मेकअप मैंने कर चुकी थी, दूसरा आई मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरी आईज़ पर। तो एक आई का मेकअप मैंने कर लिया था। अब देखिए, मैंने ये रेड कलर लिया है और ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने ब्लेंड किया है। पहले बेस बना लिया था मैंने इसका, हमें पहले बेस बनाना है। मैंने आपको बताया था बिना बेस के आपको आई मेकअप नहीं करना है, तो रेड कलर से ब्लेंडिंग करनी है। कट केस किया है मैंने गोल्डन कलर का, तो ये मैंने बेस से किया है। और बेस से करने के बाद देखिए, मैंने गोल्डन कलर का इसमें टच दे दिया है। ऊपर से मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर लगा दिया है। बहुत ही ईजी वे, सिर्फ दो कलर से हमने ये आई मेकअप किया है। सिर्फ ब्लेंडिंग आपकी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लेंडिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना आपका आई मेकअप बेस्ट होगा। तो ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या है, ब्लैक लाइनर लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने रेड कलर का लाइनर लगाया है। आप कोई भी रेड हो, गोल्डन हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लाइनर आप लगा सकते हैं। और फिर हमने ऊपर कट केस पे, गोल्डन कट केस पे मैंने गोल्डन कलर का आईलाइनर लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने शेप दिया है। ये देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये आई मेकअप, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लेसिस लगा दी है। लेसिस लगाने के बाद हमारा ये आई मेकअप फाइनल लुक देखिए हमारा, और हाईलाइट पॉइंट पर हमने हाईलाइट कर दिया है। ये बहुत ईजी वे में और सिर्फ दो कलर से हमने ये आई मेकअप किया है। बहुत ही सिंपल सोबर है, बहुत ही क्यूट लग रहा था इनकी ये आई मेकअप हमें। और अगर आप चाहें तो लाइट मेकअप में ही कर सकते हैं, बहुत ईजी वे है। ज़्यादा कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किए हैं और सिर्फ दो कलर से ही हमने बहुत अच्छा सा ये आई मेकअप किया है। आप मेरे को बताइएगा कि आपको मेरा ये आई मेकअप करने का तरीका कैसा लगा, आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरा ये आई मेकअप कैसा लगा। ओके, बाय बाय।